नमस्कार, मैं अंशिकी जड़िया और एक बार फिर स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरों की जानकारी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कंगना रनौत बीते कुछ समय से लोकसभा चुनाव में काफी बिजी चल रही थी, इसका असर उनकी फिल्म इमरजेंसी पर भी पड़ा था। अब चुनाव जीतने के बाद सांसद बन चुकी अभिनेत्री की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी के रिलीज का रास्ता भी साफ हो गया है। फिल्म के रिलीज की जानकारी कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से दी गई है। कंगना की ये फिल्म 6 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मणिकर्णिका फिल्म्स ने इंस्टाग्राम हैंडल से फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठने के बाद इस पर फैंस की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। ज्यादातर लोग इस पोस्ट के कॉमेंट बॉक्स में फायर और हार्ट इमोजी जैसे रिएक्शन दे रहे हैं। लोगों के इस प्रकार की टिप्पणियों से अंदाजा लगा जा सकता है कि इस फिल्म का लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक शाहरुख खान अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पिछले साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करने में कामयाबी रही। इस फिल्म के बाद अभिनेता फिलहाल अपना ज्यादातर समय परिवार के साथ बिता रहे हैं। किंग खान इन दिनों लंदन में अपने परिवार के साथ छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर अबराम खान के साथ देखा गया था। इसी बीच अभिनेता की एक और तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फोटो में शाहरुख खान पिकनिक का आनंद लेते हुए क्रिकेट खेलते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीर में उनकी बेटी को बैटिंग करते हुए देखा जा सकता है, तो वहीं किंग खान कैजुअल कपड़ों में सिर पर टोपी लगाए हुए फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरी खान की मां सविता छिब्बर को बेंच पर बैठे हुए क्रिकेट का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि ये फोटो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। फिल्मों के लिए जिस तरीके से एक्टर जी तोड़ मेहनत करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिर चाहे उसके लिए वजन घटाना या बढ़ाना हो या कोई फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टर वो सब करता है जो उसके रोल की डिमांड होती है। हमने बीते दिनों रणबीर कपूर की एनिमल और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन में कई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखे। हाल ही में इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है और वो है एक्टर जयदीप अहलावत। जयदीप ने 5 महीने में 26 किलो वजन घटाया है और इसकी एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस के साथ शेयर करी है। जयदीप का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई चौंक गया है। जयदीप का ये बदला रूप उनके लेटेस्ट फिल्म महाराज के लिए है। बता दें कि जयदीप के ये पोस्ट डालते ही कई लोग इस पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म महाराज तमाम बाधाओं के पार पाते हुए बीते शुक्रवार यानी कि 21 जून को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म से आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत कर दी है। नेटफ्लिक्स पर इन दिनों ये फिल्म स्ट्रीम भी हो रही है। फिल्म को दर्शकों की जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती नजर आ रही है। दर्शक जुनैद के अभिनय की तारीफ भी जमकर कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे प्यार पर अब जुनैद ने भी अपनी भावनाएं साझा करी हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है, महाराज को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये काफी संतोषजनक है। मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला। स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए अभिनेता ने साझा किया कि जब फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उन्हें इस कहानी के लिए बुलाया तो उन्हें ये बहुत आकर्षक लगी। महाराज की बात करें तो रिलीज से पहले ये कानूनी पछड़े में फंस चुकी थी। हालांकि बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर लगी अस्थायी रोक हटा ली। मई के आखिर में जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन दर्शकों को एक्ट्रेस की एक्टिंग काफी पसंद आई थी। इसे देखने के बाद अब जानवी कपूर के फैंस उनकी अगली फिल्म यानी कि उलझ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स ने भी फैंस का ये इंतजार अब खत्म कर दिया है और एक मोशन पोस्टर शेयर करते हुए उलझ की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। जानवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया है। इसमें फिल्म का टाइटल और उससे जुड़ी जानकारी देखने को मिल सकती है। इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है कि उलझ अब 2 अगस्त को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। बता दें कि इस मूवी में एक्ट्रेस इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाने वाली है। फिल्म की कहानी देशभक्ति पर आधारित होगी। इसमें उनके साथ गुलशन देवैया, राजेश तेलंग, रोशन मैथ्यू, मियांग चांग, सचिन खेडेकर, राजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र जोशी समेत कई स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।